ओम शांति। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 26 जुलाई आज के श्री वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम उनके प्यार की शक्ति से असंभव को भी संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बने। तो परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि उनका जो प्यार है, जो कि हमें याद दिलाता है ज्ञान के बारे में, शक्ति के बारे में, गुणों के बारे में, उसमें हम सफल हो जाएं। तो देखें परमात्मा कहते क्या है। परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भवा। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्मा प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है, कि हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है, हम गुणवान, शक्तिशाली और ज्ञानी बन जाते हैं उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, प्रोवाइडेड हम परमात्मा के प्यार में हों। क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया होता है, जो शक्तियों, जो गुणों का उन्होंने हमें एहसास कराया होता है ज्ञान के द्वारा, वो हमें हमेशा याद आता रहता है। और प्रॉब्लम अगर आती है तो हम फटाफट उस ज्ञान, गुण और शक्ति को हम अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। अगर हमने प्रीत लगाई परमात्मा से तो परमात्मा भी हमें गाइड कर पाएगा। आप उसको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहें, आत्मा और आत्मा के बीच में कनेक्शन कहें, परमात्मा और आत्मा के बीच में, आत्मा आत्मा के बीच में, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। तो हमें भी अगर परमात्मा सदा याद आ रहे हैं तो उनकी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमें अचानक से आइडियाज आ जाएंगे, अच्छा ये करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करें हम तो बेटर रहेगा। उसको अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ परमात्मा कहते हैं हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे, लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, कभी कभी प्रीत करने वाले, कि कभी जब मन हुआ, जब कुछ काम लगा तो परमात्मा को याद कर लिया, जब काम पूरा हो गया तो भूल गए, ऐसा संबंध परमात्मा के साथ नहीं चल सकता है, वो तो कलयुगी नरक वासियों का संबंध है। तो बाबा कहते हैं सदा प्रीत निभाने वाले बनना। फायदा किसको है? हमें स्वयं है। परमात्मा को तो कोई फायदा नहीं होने वाला इससे, परमात्मा हमें फायदा देते हैं। हमें परमात्मा को याद करने से मन में शांति, सुख, आनंद और सारी प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू होती हैं। ये करें कैसे, इसको सीखने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी इसका साधन कोर्स करिए। इसके साथ ओम शांति।